कई सारे लोग आपको ये बताए होंगे कि सोयाबीन की खेती कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या क्या पद्धतियाँ अपनाना चाहिए, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जो कि गलत है, वो हमें दूर रखना चाहिए, ऐसी पद्धतियों का अपनाना नहीं चाहिए, उसी के बारे में आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले सोयाबीन के लिए उपयुक्त खेती जो है, जो भूमि कैसे होनी चाहिए, तो उसमें पहली बात है कि ऐसी भूमि में खेती नहीं करें सोयाबीन की जो कि हल्की हो या उथली हो और जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ ना हो। आवश्यकता से अधिक बार सोयाबीन की खेती में जुताई नहीं करनी चाहिए क्योंकि आर्थिक रूप से ये लाभदायी नहीं होता है। बोने से पहले ही सोयाबीन के बीज का अंकुरण एवं बीजांकुर सुनिश्चित करने के लिए जब तक 10 सेंटीमीटर तक बारिश नहीं हो, वर्षा का आगमन नहीं हुआ हो, तब तक सोयाबीन की बोनी नहीं करें। ये भी बात ध्यान में रखें कि बीज और उर्वरकों को कभी भी मिलाकर सोयाबीन की बोनी नहीं करना चाहिए, इससे बीज सड़ने का खतरा रहता है। सोयाबीन बोनी के पूर्व सूखी ज़मीन में, कई बार किसान लोग सुपर की खाद उड़ा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसे टालना चाहिए। सूखे में कोई भी उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली बात, सोयाबीन की बोनी किसी भी स्थिति में 5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं करनी चाहिए। ऐसी किस्में जो कि खेती की नहीं करना चाहिए सोयाबीन में, जो कि लोकल जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल ना हो, या ऐसी किस्में जो कि सोयाबीन अनुसंधान प्रणाली द्वारा अनुशंसित नहीं हो या अधिसूचित नहीं की गई हो। अगली बात, सोयाबीन के बीज का आकार तथा अंकुरण के जांच किए बगैर सोयाबीन के बीज की प्रति हेक्टर मात्रा सुनिश्चित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो बीज का आकार और अंकुरण क्षमता के ऊपर निर्भर होती है। ये भी ध्यान रखें कि जहाँ तक आवश्यक नहीं हो, अनावश्यक रूप से अधिक बीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली बात, जब तक कोई विशेष विकल्प नहीं हो, अवांछित स्थिति को छोड़कर अमानित बीज, जैसे कि जिसका अंकुरण कमज़ोर हो, ऐसे बीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली बात, बीज उपचार में फफूंदनाशक कीटनाशक द्वारा उपचारित करने के पहले जैविक कल्चर का उपचार नहीं करें, क्योंकि जैविक कल्चर में जीवाणु रहते हैं और जीवाणु से पहले उपचारित करने के बाद में फफूंदनाशक या कीटनाशक करेंगे तो इसमें के जीवाणु जो है वो ख़त्म हो जाएंगे।